Our topic is a structure of flower. And the structure of flower, in this flower, there are many parts of the flower, but we have some important parts marked on the figure, such as receptacle, sepals, petals, pistil, and stamen. Only five main parts I have shown in this figure. So, what are these parts and what are the function of these parts? First of all, first part is receptacle. Receptacle, what does receptacle? Receptacle does just like the base of the flower. And base of the flower means a whole flower situated on this receptacle. Next part is sepal. Sepals are the green leaf like structure. Green leaf like structure, and its function is, what is the function of this sepals? To protect the flower when flower is in the form of bud. जब बर्ड शेप में होता है तो सेपल्स का काम ये है कि उस फ्लावर को क्या करना, प्रोटेक्ट करना. आफ्टर देन इट कम्स पेटल्स. पेटल्स आर द कलरिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर या कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर. यदि जो हमारा कलर पार्ट होता है फ्लावर का वो कहलाता है पेटल्स, ठीक है. उसके बाद आता है पिस्टिल एंड देन स्टेमन. व्हाट इज द पिस्टिल? पिस्टिल इज द also a reproductive part of the flower. And which type of reproductive organ or part? It is the female reproductive organ or part of the flower, which lie inside the center of the flower. It has mainly two parts. One is top part. Top part is called stigma, and the swollen part of the flower is called ovary. Ovary contains ovules. And ovules are the egg cells of the egg cells of female, या female part of the egg cells of the plant. ये female part, ये है stigma, ठीक है. After then, last part is stamen. What are the stamens? Stamens are also called male reproductive organ of the flowering plant. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. तो ये मेल ऑर्गन होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है स्टॉक होता है. स्टॉक में हिंदी में डंठल बोलते हैं, स्टॉक लिखा हुआ है. एंड द अदर पार्ट इज टॉप पार्ट. टॉप पार्ट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड? एंथर. सो द स्टेमेन आर मेड बाय द टू पार्ट. वन इज द एंथर एंड अनदर इज स्टॉक. Anther contains, what does anther contains? Anther contains pollen grains, and pollen grains have the hard protective cell which protect the pollen grains to dry up. इतने से बताता है, इसमें pollen grains होता है, और इसको हमने बताया, it is the main reproductive cells or main reproductive part of the flower. पिस्टिल को हम लोग, सॉरी स्टेमेन को क्या कहेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स जो है इसके टॉप पर जो है वो क्या होता है, बनता है मैक्स. पोलन ग्रेन्स आर मेड ऑन द टॉप ऑफ द एंथर एंड ऑल्सो स्टोर्स देम, और उसी पर उसको क्या करता है, स्टोर करता है. ये हमारे क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की मेन पार्ट, ठीक है. इसी को लग करके पार्ट्स ऑफ स्टेमेन, पार्ट्स ऑफ स्टेमेन वी आर एबल टू नो द मेल पार्ट्स और मेल ऑर्गन ऑफ द प्लांट. या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज स्टेमेन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टिंग. Now we are going to study about the different parts of the stamen. What are the different parts of the stamen and what does their function? First is pollen grains, that is anther, and this is filament. So the parts of the stamens are pollen grains. Pollen grains just like a
मेल एग सेल्स. एंथर, एंथर इज द प्लेस ऑन विच पोलन ग्रेन्स लाइज और स्टे. व्हाट इज द फिलामेंट, फिलामेंट इज अ जस्ट लाइक अ क्या कहा जाता है उसको, क्या बताया था इसलिए डंटल को क्या बोला था, स्टॉक. स्टॉक ये स्टॉक लाइक का स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट. ठीक है, तो मेन हमारे यही पार्ट्स हो गए, पार्ट्स ऑफ स्टेमन, फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा स्टेमन क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. उसके बाद बात आता है पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल. पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज पिस्टिल. एंड देर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल ऑल्सो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड द फीमेल गैमेट्स और एग सेल्स. ठीक है, इतना समझे, कौन कौन से पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स एंड एग सेल्स. ठीक है, तो ये इनके पार्ट्स हो गए. अब उसके बाद जो है इसमें क्या होता है, जो मेल तुम्हारा पोलन ग्रेन्स और जो फीमेल एग सेल्स होता है या फीमेल गैमेट्स होता है, ये दोनों जो है क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं यानी मिलते हैं, और उनके मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है. और उसके बाद जब जाइगोट बनता है उसी का धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ हो करके और तब वो सीड्स का फॉर्मेशन कर लेता है. ठीक है, और ये जो सीड्स होते हैं वो कहाँ पर बनता है, जो भी हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके यानी ओवरी जो होता है उसमें बनता है. ठीक है, और ये सीड्स ही क्या करता है, सीड्स में वो सारी प्रॉपर्टी होती है जो एक न्यू प्लांट्स को ग्रो करा सकता है. सुनाई दिए सबको? ठीक है, तो सीड्स का ग्रो कैसे होगा, जब पोलन ग्रेन्स और क्या मीट करेगा या मिलेगा या फ्यूज करेगा, एक सेल या उसको क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट्स. ये दोनों जब क्या करेंगे, फ्यूज होंगे, मिलेंगे, तो उसके बाद उसी का जो उनके फ्यूज होने से जो बनता है उसको जाइगोट कहा जाता है. क्या कहते हैं उसको, जेड वाई जी ओ टी. ठीक है, वो जाइगोट बनेगा. और जाइगोट का कहाँ पे ग्रोथ होगा, ओवरी में. और वही ओवरी में जब वो ग्रोथ होगा तो क्या बन जाएगा, सीड्स बन जाएगी. और जब सीड बनेगा तो उस सीड का जो एक सबसे आउटर कवरिंग या लेयर जो होता है, हार्ड होता है किसी भी सीड्स का, और जब वो फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो उसके बाद से वो क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है. और उनके जर्मिनेशन से क्या होते हैं, सॉइल के अंदर शूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम, दो होता है ना, तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बनता है. सबसे पहले रूट सिस्टम तैयार होता है कि शूट सिस्टम, रूट और शूट है ना, पहले रूट बनता है नहीं, यानी वो जर्मिनेट होता है तो अंडर द सॉयल जर्मिनेशन का काम होता है, रूट प्रिपेयर होता है. और रूट्स के बाद क्या होता है, सॉयल के बाहर जो है तब उससे रूट निकलकर शूट सिस्टम तैयार होता है. ठीक है, और वो जो सीड्स होता है न्यू प्लांट्स ग्रो करने के लिए सफिशियंट होता है. तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट का रिप्रोडक्शन बाय द सीड्स होता है उसको क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट इन विच प्लांट ग्रोज ड्यू टू द या विद द हेल्प ऑफ सीड. नहीं, सीड्स के हेल्प से अगर ग्रो करता है तो उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं ना वो बाईसेक्सुअल होते हैं. बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या है, बाईसेक्सुअल का मतलब ऐसे फ्लावर्स यानी द फ्लावर्स विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. लाइक अ फ्लावर विच हैव स्टेमेन एंड पिस्टिल बोथ आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, तो बाईसेक्सुअल होता है.
यूनिसेक्सुलर में क्या क्या आता है, कैसे फ्लावर्स आते हैं, जैसे पपाया भी है, पपीता, पपाया है, इसके अलावा कॉर्न, कॉर्न का नाम जानते हो, कॉर्न मतलब क्या होता है, मक्का, क्या तो इसमें क्या कहता है, ये जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल, या तो इसमें क्या होगा, आइदर स्टेमेंस होगा या इधर पिस्टिल होगा, दोनों नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, या जैसे हिबिकस, हिबिकस में दोनों होता है, यानी उसमें क्या क्या होगा, पिस्टिल भी होगा और क्या होगा, स्टेमेन भी होगा, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा।